إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علي الذات وعظيم الصفات خالق الأرض والسماوات فالق الحب والنوى أهل الكبرياء والجبروت حي الذي لا ينام ولا يموت نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له أحدا صمدا فردا فريدا أزليا أبديا دهريا دائموريا لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عربيا هاشميا كرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطالعنا للغيوب عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليه وعلى إطراته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں آیت تطہیر اس لیے تلاوت کی ہے کہ آج جس مخدومہ کائنات کی شہادت کا دن ہے وہ تطہیر کی مالکہ ہے سارے نبیوں اور ولیوں اور آئمہ کو طہارت فاطمہ کے ذریعے سے ملی ہے چونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے میں نے کہا کوئی اور بھی ہو تو پڑھنے والا ان کو بھی پڑھا لو پھر غیور صاحب آ کے پڑھ لے گا مصائب ہو جائے گا بس مجھے کیوں بلایا تھا مگر اب آ جو گیا ہوں مجلس میری ایک ضائع ہو گئی ہے ان کے فلاں پڑھ لے فلاں پڑھ لے فلاں پڑھ لے سے جو ٹائم کہا تھا میں ٹائم سے پانچ منٹ پہلے پہنچ گیا مگر بات سچی نہ ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے مجلس میری رہ گئی مغرب سے پہلے جو وہاں پڑھنی تھی ملتان میں وہ نہیں پڑھ سکوں گا بہرحال اب درخواست یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کریں میں اس مخدومہ کے فضائل کا ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ جملہ ہے مخدومہ کے لیے فرمان رسول اللہ کا ہے
उन्वान अली इब्न अबी तालिब है। और यही दो हस्तियां हैं, एक सैयदा जहरा और एक अली इब्न अबी तालिब, ये बुनियाद है। अली इब्न अबी तालिब के लिए, या यूं समझें कि आलमीन के रसूल ने सैयदा जहरा के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, हदीस इरशाद फरमाई, जो हदीस कुदसी भी है और हदीस रसूल भी है, बीबी के लिए, और है बीबी के लिए, निस्बत अमीरुल मोमिनीन की है। टाइम थोड़े की वजह से मैं मजमून नहीं पढ़ रहा हूं। कोई भी रसूलुल्लाह ने फरमाया, लाउला अलीयन लमा फातिमता कुफवन, अगर अली ना होते समझेंगे तो फिर पढ़ूंगा। हर बात हर आदमी के लिए नहीं होती, हर आदमी हर बात के लिए नहीं होता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लौला अलीयन लमा फातिमता कुफवन, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। अगर अली न होते, रसूल ने फरमाया फातिमा का कोई कुफ नहीं था। कुफ क्या होता है? कुफ होता है बराबर, बराबरी करने वाला, शरीक, जिसके कई माने हैं, कुफ के कई माने हैं। मरियम का कोई कुफ नहीं था। अल्लाह ने एक एक बात समझने वाली है, अगर कभी सोचेंगे, समझने वाले सोचेंगे, हाँ सिर्फ शेर सुनने वाले नहीं, समझने वाले सोचेंगे तो उनको बहुत कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, उस दौर में मरियम का कोई कुफ नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उसकी शादी नहीं की, बगैर शादी के ईसा अता फरमा दिया, बगैर शादी के, बगैर शौहर के ईसा अता फरमा दिया। मरियम का कोई कुफ नहीं था, उसकी कोई शादी नहीं हुई। खदीजा का कोई कुफ नहीं था, खदीजा ने बड़े लंबे अरसे तक शादी नहीं की। बीबी खदीजा ने रसूलुल्लाह से पहले कोई शादी नहीं की, नहीं की। जहरा की अम्मा ने कोई शादी नहीं की थी सिवाय मुहम्मद मुस्तफा के। सैयदा जहरा की अम्मा है बीबी खदीजा, कोई कुफ नहीं था, कोई शरीक नहीं था। बहुत बड़ी आलिमा थी जनाब खदीजा, जिसका रिश्ता आता था, खदीजा कहती थी ये मेरा कुफ नहीं है। जिसका रिश्ता आता था, खदीजा कहती थी ये मेरा कुफ नहीं है। जब अबू तालिब के साथ मोहम्मद को देखा तो चचा के बेटे को बुलाकर कहा कि ए मैसरा, गुलाम को कहा मैसरा, मेरे चचा के बेटे नौफल को बुला कर लाओ। जब नौफल आया तो उसको कहा, नौफल मुझे अपना कुफ मिल गया है, और वो है वो शहजादा जो अबू तालिब के साथ तिजारत में लगा हुआ है। जानते ये कुफ, अब कुफ समझ में आ गया थोड़ा सा। कुफ बराबर, बराबरी करने वाला, शरीक नसब में भी, हसब नसब में शरीक, बराबरी करने वाला। अगर अब तक भी समझ में नहीं आया, कुफ समझ में नहीं आया, तो मैं सूरह तौहीद पढ़ देता हूं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو اللہ احد ہے, اللہ احد ہے اور وہ آخر میں بھی احد ہے. پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ, بڑے بڑے علماء یہاں پڑھ چکے ہیں یار, بزرگ علماء. اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد, اللہ احد ہے, ان کو کہہ دو اللہ احد ہے. احد, احد کہتے ہیں تنہا کو, احد کہتے ہیں اکیلے کو, آخر میں بھی ہے احد کفواً احد. احد کوئی ایک بھی نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے. اللہ احد ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. ایک ہوتا ہے ایک, اللہ واحد نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اگر اس کو حصے کیے جائیں تو دو حصے بنتے ہیں, اور آدھا ملایا جائے تو پھر ایک بنتا ہے. اللہ ایک نہیں ہے, اللہ احد ہے. احد وہ ہوتا ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. قل ہو اللہ احد, انہیں کہہ دو اللہ احد ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, تم جو کرتے رہو بے نیاز ہے, جو کرو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس کا کوئی بابا نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. ہے کوئی نہیں ہے نا؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو یار؟ اچھا پڑھتے نہیں, سنتے بھی نہیں ہو. بولو تو صحیح تو میں پڑھوں. اللہ کہتے ہیں میں ہوں لم یلد ولم یولد. لم یلد یعنی مجھے کسی نے نہیں جنا, میری ماں نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے. ولم یولد اور مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا, میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ میرا باپ ہے نہ ماں ہے, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. میں احد ہوں, میں احد ہوں, احد. کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک شعر یاد آ گیا ہے, آپ توجہ نہیں کر رہے اس لیے شعر سنا دیتا ہوں. آپ قیصر بارہویں کا شعر ہے. قیصر بارہویں ایک بہت بڑے شاعر تھے لاہور کے. شعر تو سنتے ہوں گے نا, شوکت رضا بھی پڑھتا ہوگا یہاں, شعر سنتے ہوں گے نا. کیسے سنتے ہیں شعر میں دیکھ لیتا ہوں. اس نے کہا, یہ قل ہو اللہ احد پہ لکھا ہے اس نے شعر, اس نے کہا شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. احد کہتے ہیں یکتا کو, یکتا احد. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے, شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. کچھ بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. کچھ بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پر, لم یلد ولم یولد, لم یلد پر میرا ایمان ہے, لیکن یا رب لم یلد پر میرا ایمان ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے, کچھ بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پر میرا ایمان ہے, لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. کوئی آج سمجھ میں قول ہو اللہ احد, وہ احد ہے.
अल्लाह उस्समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई नहीं पैदा हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, उसका कोई कुफु नहीं है। अल्लाह वो है जिसका कोई कुफु नहीं है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं लौला अलीयुन लमा फातिमता कुफवन, अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफु न होता। तो समझ में आई है बात या नहीं आई? समझ में आ गई है? नहीं आई समझ में बात? अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। अल्लाह वो है जिसका कोई कुफ्र नहीं है। अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता, तो फिर क्या होता? अली ना होते तो फिर दो हो जाते ना। अली ना होते तो फिर दो हो जाते जिनका कोई कुफ्र ना होता, एक अल्लाह और एक फातिमा। एक अल्लाह और एक फातिमा दो हो जाते जिनका कोई कुफ्र न होता। अल्लाह ने अपनी वहदानियत को बरकरार रखने के लिए अली को खल्क किया था। फातिमा का कोई कुफ्र न होता। हाय हाय, आज है फातिमा का दिन। कौन फातिमा? लोग तो यही कहते हैं कि रसूल की बेटी। हाँ ना, मासूमीन का फरमान है, सुनिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम बारह आइमा नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम 12 अल्लाह की उसकी मखलूक पर हुज्जत हैं। नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम 12 अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं। पर फातिमा तो हुज्जतुल्लाह अलैना, और फातिमा हम पर अल्लाह की हुज्जत है। सैयद जहरा, जिसके अंदर वो अल्लाह ने पता नहीं क्या रखा है, कोई नहीं जानता, आज तक कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह ने कहा फातिमा, अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। सुना हुआ है ना? सुना हुआ है ना? उम्मु अबीहा, बाप की माँ, माँ असल होती है, माँ असल होती है। बाप के बगैर बेटा पैदा हो सकता है, जैसे ईसा। माँ को अरबी में कहते हैं उम अबीहा। उम का क्या मतलब है? असल लफ्ज जो है ना इसका असल लुगवी माना जो है, इसका माना है का माना है असल, असल। माँ को इसलिए कहते हैं कि वो बेटे की असल होती है, और जो बेटे की असल माँ होती है, अगर वो हलाल दूध पिलाए तो अली की विलायत का इकरार करता है। और अगर दूध में कोई फर्क आ जाए तो फिर अली की विलायत दाखिल नहीं होती। बड़ी समझदार है।
बड़ी पाक है, बड़ी ताहिर है। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। और दूसरी हदीस रसूल की, अल फातिमा तो उम्म अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। माँ उम कहते असल को। अब सुनो, अल फातिमा तो उम्म अबीहा, फातिमा अपने बाप की असल है। फातिमा बेटी है ना बाबा, बेटी है ना। आप क्या कहेंगे, मोहब्बत से कहा रसूल ने, रसूल वही के बगैर कलाम नहीं करता। कोई मोहब्बत रसूल की अल्लाह के बगैर नहीं है। अल्लाह के अम्र से मोहब्बत होती है, अल्लाह के अम्र से बोलता है, अल्लाह की वही से बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, वही के बगैर रसूल कलाम ही नहीं करता। अल्लाह ने कहा मोहम्मद कहो, अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की असल है। असल है क्या मतलब है, अगर फातिमा न होती, चलो पूरी हदीस सुना देता हूं। यह हदीस कुदसी है, यह हदीस कुदसी है। एक हदीस रसूल होती है, एक हदीस कुदसी। हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम है जो कुरान के अलावा है। घबरा तो नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या आ गया, जल्दी जल्दी वो आने वाला है। असल सुनने के लिए उसको आए हैं, मुझे तो ऐसे ही सुन रहे हैं ना। अब मैं भी उसी के इंतजार। हाँ सब सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। चिट्ठी थोड़ी हो गई है, ऐसे नहीं हुई है। बहरहाल मिजाज नहीं जानते, बंदे को नहीं पहचानते, तो फिर वो बंदा ही नहीं है जो किसी बंदे को पहचानता नहीं है। पहचान नहीं, मजमे को पहचान कर ही खतीब बात करता है। वो खतीब ही नहीं है जो मजमे के मिजाज से वाकिफ ना हो। खतीब ने कसीदा थोड़ी सुनाना होता है। कसीदा, कसीदे भी आते हैं मुझे, कसीबे कसीदे भी आते हैं, मगर कसीदा तुम उससे सुनते हो जो चार सोजियों वाला हो। मुझे वो कसीदा आता है जो अल्लाह ने फातिमा के लिए पढ़ा है। अल्लाह चूंकि अहद है, उसका कोई सोजी वोजी है नहीं, सोजी वोजी है नहीं। उसने जो कसीदा पढ़ा है, आप पढ़ते हो शबे जुमा को कसीदा पढ़ते हो, तवज्जो हो तो अब मेरा तो कसूर नहीं है ना। वो कसीदा है फातिमा का जो अल्लाह ने मलाइका में पढ़ा है। हाँ जब चादर के नीचे आए हैं पांच, चादर के नीचे पांच आए हैं। बीबी कहती हैं, सैयदा से रिवायत है, मखदूमा से रिवायत है, उम्मु अबीहा से रिवायत है, उस बीबी से रिवायत है जिसके लिए रसूल खड़े हो जाते थे। अल्लाह कहता था मोहम्मद फातिमा आ रही है, खड़े हो जाओ। तुम हो आलमीन के रसूल तो हो, फातिमा आ रही है, फातिमा तुम्हारी असल है, आ रही है। ये बीबी जब चादर के नीचे आई है, बीबी कहती है कि अल्लाह ने मलाइका में खिताब किया है, या मलाइकती व या सुकाना समावाती। देखा ना, बाहर से आने वालों को देख रहे हो, अल्लाह का कलाम नहीं सुन रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गयूर आ गया बेटा, गयूर बेटा आ गया ना, इसलिए आओ जिसकी इंतजार में सारे मर रहे हैं बैठे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। कह रहे गयूर पढ़ सी, गयूर तो सब पढ़ी। अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा वो भतीजा है कि जिनके बाबा ने मुझे भाई कहा है, और जिंदगी के आखिरी वक्त तक किताब शहादत विलायत अली नाकाबिल तरदीद हकीकत उनके हाथ में होती थी। जब विलायत का तज़करा करते थे तो मेरा तज़करा जरूर करते थे।
हुसैन साहब आपके बाबा हुसैन साहब मेरा भतीजा है। बहरहाल अल्लाह जिंदगी दराज करे, मौला ने इज्जत दी है और इज्जत मिले मौला करे। हाँ बस मैं फिर ख़त्म कर देता हूँ, मसाहिब इनसे सुन लेना मगर जुमला से। कसीदा मैं पढ़ देता हूँ, मसाहिब ये पढ़ देते हैं, ठीक है। कसीदा मैं वो पढ़ रहा था जो अल्लाह ने फातिमा की शान में पढ़ा है। अब तवज्जो करोगे तो मैं पढ़ूंगा ना, नहीं मैं घंटा थोड़ी पढ़ूंगा, अब तो थोड़ा सा जरा सा पढ़ूंगा, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अगरचे मेरा बच्चा है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, इज्जत दी है मौला और इज्जत दे, मगर बात गौर से सुन ले। कसीदा मैं पढ़ रहा हूँ, मसाहिब ये पढ़ेंगे। कसीदा क्या पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा, बीबी कहती है जब हम पांचों चादर के नीचे आए तो अल्लाह ने कसीदा पढ़ा है। या मलाइकती व या सुकाना समावाती, अल्लाह के कोई सोजी वोजी नहीं है, बगैर सोजी के अल्लाह ने कसीदा पढ़ा और मैं उसी तरह से सुना रहा हूँ। अल्लाह ने कहा या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज मदहियतन वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़ियतन वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बते हाउलाइल खम्सतिल लजीन हुम तातल किसा। ओ मेरे मलाइका आसमान के रहने वालों, एक मलाइका है आसमान में रहने वाले और कुछ और मखलूकात भी हैं आसमानों में रहने वाली। मलाइका के अलावा भी अल्लाह ने कहा है, वक्त नहीं ना तशरीह का। मलाइका और आसमान के रहने वालों, मैंने आसमान का शामियाना नहीं बनाया, जमीन का फर्श नहीं बिछाया, चांद को नूरानियत नहीं बख्शी, सूरज को तमाजत नहीं बख्शी, दरियाओं को रवा नहीं किया, उनमें कश्तियों को नहीं चलाया। अगर ये सब कुछ मैंने किया है तो इन पांच की मोहब्बत की वजह से किया। इन पांच की मोहब्बत में जब कहा ना हाउलाइल खम्सतिल लजीन हुम तहतल किसा, यही हैं वो पांच जिनकी मोहब्बत में ये बनाया। बाकी फरिश्ते तो चुप रहे, जिब्रील तड़प गया, परवरदिगार ये हम कौन है, हम तहतल किसा, ये चादर के नीचे हम, या अल्लाह तूने पहले भी एक दफा हम कहा था जिब्रील, कब के जब तूने आदम को अस्मा पढ़ाए थे, वल्लमा आदम अस्मा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते, अस्मा पढ़ाए और उनको मलाइका के सामने पेश किया, उस वक्त भी तूने हम कहा था, नाम हमें नहीं बताए थे। आज ये फिर चादर के नीचे इकट्ठे हैं, तू कह रहा है हम, हम मोहब्बत इनसे है, बनाई कायनात है, इन्हीं की मोहब्बत की वजह से कायनात बनी है। या अल्लाह आज तो बता ये हम है कौन। अल्लाह ने फिर भी नाम नहीं बताए, फिर भी नाम नहीं बताए। अल्लाह ने फरमाया हुम अहलु बैत नबुव्वा। जिब्रील ने कहा ना यार अबे मन तातल के साथ परवरदिगार चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने कहा हुम अहलु बैत नबुव्वा, ये अहले बैत नबुव्वत है। या अल्लाह मैं नाम पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा जिब्रील मैंने बताया है ना, व मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है, रसूल उसी वक्त बनते हैं जब इनकी विलायत का इकरार करते हैं, ये मादन रिसालत है, रसूल उस वक्त बनते हैं जब इनकी विलायत। या अल्लाह नाम तो बता दे, मैं तो आदम के जमाने से तड़प रहा हूँ, जब इकट्ठे हो हमें पता ही नहीं होता कि इसका क्या नाम है। आदम के जमाने में भी हम फेल हो गए, आदम पास आज तो बता मन तातल किसा, कौन है चादर के नीचे। अल्लाह ने कहा आज भी नहीं बताऊंगा, इनकी असल फातिमा है। हाय हाय मैं अब क्या कहूं, इतनी देर समझाया मैंने हदीस पहली, नाम नहीं बताया अल्लाह ने, कहा हम फातिमा तो अबूहा बालूहा व बनूहा, ये फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शोहर है और फातिमा के बेटे हैं।
اتنا بڑی قصیدہ اللہ نے جس کی شان میں پڑھا، خدا کی قسم ہم مر جاتے یہ نہ پڑھتے کہ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے، کسی نے نہیں کہا فاطمہ تھوڑی دیر تو بیٹھ جا. ہائے ہائے، شہادت پڑھیں گے میرے بیٹے، شہادت پڑھیں گے. میں نہیں پڑھ رہا، ایک مومن نے ادھر سے کہا ہے کہ ایک جملہ مصائب کا کہنا، وہ ایک جملہ ہی کہہ رہا ہوں، کھڑی رہی دربار میں، کھڑی رہی. ہاں ہاں، جب آباد تھے رسول، زندہ تھا رسول، کھڑے رہتے تھے، فاطمہ بیٹھی رہتی تھی. آج فاطمہ کھڑی ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. جب فاطمہ تھک گئی اور سہارا لیا حسن اور حسین کا، اس وقت ایک نے کہا، فاطمہ کیوں آئی ہے؟ کہ میں نے سنا ہے تم نے میرے باغ فدق پر، میرے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. کہا قبضہ نہیں کیا ہم نے، وہ ہے ہی ہمارا. کہا تمہارا کیسے ہے؟ وہ تو بابا نے مجھے دیا تھا. انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ بی بی نے تحریر نکالی. اب مصائب تو آپ سنو گے غیور صابر سے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، مصائب سنائیں گے، شہادت بھی سنائیں گے. مگر میں یہی ایک جملہ پڑھتا ہوں، میری دادی ہے، آج ان کی شہادت کا دن ہے، میں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا. بی بی نے وہ تحریر نکالی، ایک صحابی کو دی، کہا یہ دے دو انہیں. اس نے دیکھا تحریر تو محمد کی ہے. اگلے کو دیا بھائی تو دے دے، اس نے دیکھا یہ دستخط تو محمد کے ہیں. ہاں واقعی یہ محمد کی تحریر ہے. ایسے کرتے ہوئے جب اس کے پاس پہنچی تحریر، ساتھ اس کے ایک اور بیٹھا تھا، نام نہیں لیتا، اس نے تحریر کو لیا، اسے پھاڑ دیا، بس ختم کر دیا میں نے. اب آپ کو یہاں بھی سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کروں گا. جب زہرا نے دیکھا بابا کی تحریر پھٹی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. جب اٹھی ہے سر کے بال سفید تھے،